5@5 में बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। तो केंद्र सरकार न्यू पेंशन स्कीम की जगह अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लेकर आई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार यानी 24 अगस्त को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यूपीएस से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा भी होगा। कर्मचारियों के पास यूपीएस या एनपीएस में से कोई भी पेंशन स्कीम चुनने का ऑप्शन रहेगा। राज्य सरकार चाहे तो वे भी इसे अपना सकती हैं। अगर राज्य के कर्मचारी शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। इस योजना के न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम से किस तरह अलग होने के सवाल पर पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने जवाब दिया कि यूपीएस पूरी तरह कॉन्ट्रीब्यूटरी फंडेड स्कीम है, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम अनफंडेड कॉन्ट्रीब्यूशनरी स्कीम है। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है और सरकार 14% देती है। अब सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। वही कर्मचारी के 10% हिस्से में कोई बदलाव नहीं होगा।